गुड मॉर्निंग, आज मैं हूँ मेट्रो से, सुबह को पहुँच के गुड़गांव और मैं थोड़ा पेट से निकल रहा था, मैं कह रहा हूँ वॉक करके चल लेते हैं। 1 किलोमीटर है ऑफिस यहाँ से, एक तो नहीं, हाँ एक होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी मेट्रो में इसलिए नहीं बनाई, वीडियो शर्म आती है, बहुत भीड़ इतनी थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था, वीडियो तो बनाता। अब बस पहुँच जाऊँ तो मुँह हाथ धो के फ्रेश होके, मतलब मुँह हाथ धो के नींद खोल के काम करने बैठूँगा अपना। आज ना धूप भले निकल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। बाकी मैं काम कर रहा था, मुझे आज बहुत नींद आ रही है, तो मुझे नीचे वॉक करने आ गया था नींद खोलने के लिए। अब वॉक वगैरह करने के बाद वापस वॉक भी क्या 5-10 मिनट ही करूँगा, 5 मिनट हो ही गया है, अब ऊपर ही जा रहा हूँ। मुँह धोऊँगा तो थोड़ी नींद और खुल जाएगी, बाकी लंच का टाइम भी हो ही रहा है, तो मैंने सोचा ऐसे घूम जाऊँ थोड़ा। अब जा रहा हूँ ऊपर, अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, अपने स्टेयर्स पे बैठा हूँ। और मैं स्टेयर्स पे इसलिए बैठा हूँ कि मेरी नींद नहीं खुल रही, तबीयत तो ठीक अभी हुई हुई है ना, एक आध दिन पहले तबीयत ठीक हुई, तो थोड़ी हरारत है अभी, तो नींद वाकई में नहीं खुल रही यार। काम कर रहा हूँ वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, बट जब भी लगता है कि फ्री टाइम है तो वॉक करने बाहर आ जाता हूँ, ये नींद तो खुली रही। देख रहा था अभी ऊपर है। बाकी आजकल तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, तुम लोग क्या आजकल तो व्यू पहले से भी कम हो गए मेरे वीडियोस पे, तो जो देख रहा है उसने ध्यान दिया हो तो मैं आजकल वीडियो बहुत छोटी डाल रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है जान के डाल रहा हूँ, कुछ कंटेंट नहीं मिलता है ऐसे बताऊँ, कि काम होता है ऑफिस में, उठ के नहीं आता बार बार मैं, इसलिए इससे याद आया मुझे कि चला जाता हूँ काम करने वापस। आज भी लोग कुत्ता लेके आए हैं, अपना बताया था ना कुत्ते लेके आ जाते हैं, तो मेरे को जो रीज़न समझ में आया उसका रीज़न ये है कि मान लो मैं हूँ, एग्जांपल के लिए मैं अपने घर पे अपने पेट के साथ रहता हूँ, मुझे ऑफिस वाले कहते हैं ऑफिस आ, तो क्या पता ऑफिस आ कि मैं क्या कहता हूँ, कि ऑफिस वालों ने बोला कि तुम अपना पेट लेके आ सकते हो, अकेला कहाँ रहेगा बेचारा, वो क्या पता इस रीज़न से लोग पेट लेके आते हो अपना, कोई दिखेगा तो दिखाऊँगा, वैसे आज भी लेके आया था। हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है ये देखो, ये विनाबाद के ड्रामे उतरे थे इस बिल्डिंग में, ये भी कर रहे हैं। हाँ जी, ये अक्षरा का बेजान पौधा यार, ये पौधा हमारी तरह हो गया तो सर भाई, ये देख लो। और शिवम भाई तो प्रो लग रहे हैं, जो काम अक्षरा पे नहीं हुआ भाई ने कमेंट में कर दिया, फ्लोर कम करो तोड़ देंगे नीचे से। सुबह भाई क्या बता रहे थे, 20 रुपये सुबह भाई के गमले में नीचे छेद लेंगे, तो ये कह रहे हैं पॉइंट में, इन्हीं का लाइक चल रहा है, इनकी लड़ाई बड़ाई भाई भाई, ये नहीं मान रही, इनका तीसरा पौधा है, कर लो आराम से कर लो, बहुत टाइम है इनका। देखिए ना भाई, चोर चार चार पौधे चुरा के लाई है, एक की बात हुई थी पर पर्सन, चार अकेले के हैं। दत्तू सर भाई के अंदर का फोटोग्राफर जागते हैं, सबसे लगे हुए हैं, पीने भी अलग मजा आ रहा है। तो मजदूर ऐसा बैठता है कि उसे वाई वाई कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, मजदूर टू कभी आरटीएस नहीं होता है, आरटीएस नहीं करता हमारे मालिक, बड़े मालिक और मैं। मैं आया था मेट्रो से, तो मैं मेट्रो से आके, मेट्रो में भीड़ रहती है, शर्म भी आती है, बहुत फैक्टर होते हैं, और मैं आ गया बाइक की पार्किंग में अपने घर के पास वाले मेट्रो में, क्योंकि मैं बाइक से आता हूँ मेट्रो तक, फिर मैं भाई वहाँ से तो ऑटो लेना पड़ता है, बट यहाँ तक बाइक है तो बाइक से आ सकते हैं ना, क्योंकि सुबह सुबह यार ऑटो में आना मेरे उसकी तो है नहीं, बाइक खाऊंगी बाइक, ये तो बाइक ढूंढना भी टास्क है, जहाँ लगाते हैं वहाँ मिलती नहीं, अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं जगह, ये क्या मेरी बाइक। अब मैं घर पहुँचता हूँ, खाऊँगा पीऊँगा फिर देखते हैं, कुछ प्लान तो होंगे नहीं अब, पर फिर भाई मैं घर आ गया, मेट्रो में बहुत भीड़ थी इसलिए मेट्रो में कुछ शूट किया नहीं, ऑफिस में काम बहुत था तो कुछ ज़्यादा वहाँ भी शूट नहीं कर पाया, कल भी मेट्रो से जाऊँगा। अब मेट्रो से जाने के फ़ायदे नुकसान बताता हूँ, फ़ायदा नंबर वन खर्चा कम, फ़ायदा नंबर टू तुम्हें जाम में गाड़ी नहीं चलानी,
जाम में खड़े गाड़ी वालों को गाली देनी। फायदा नंबर तीन कोई है नहीं, दो ही फायदे हैं। एसी गाड़ी में भी होता है, बट चलो ठीक है, एसी को गिन लेते हैं फ़ायदा नंबर तीन। नुकसान, बहुत देर लगती है जाने में, बहुत देर। दूसरा नुकसान, यहाँ से स्टेशन तक तुम बाइक से जाओ, गाड़ी से जाओ, कैसे भी जाओ, बट वहाँ उतर के तुम्हें ऑटो ही लेना पड़ेगा, और क्योंकि मेरा ऑफिस दूर है मेट्रो स्टेशन से। और नुकसान, भीड़। सबसे बड़ा नुकसान, अगर तुम गुड़गांव से आ रहे हो तो तुम इतनी भीड़ में आओगे कि पूरा गुड़गांव तुम्हारे साथ ही आ रहा है गाज़ियाबाद छोड़ने। और अजीब से आजकल ना, चलो ये बात कर लेते हैं, पहले जब मैं मेट्रो से आता था, जब मैं कभी कभी ऑफिस जाता था, और मेरी लास्ट कंपनी में भी मैं जब मेट्रो से जाया करता था, तो अच्छा क्राउड मिलता था, पढ़े लिखे लोग, अच्छी अच्छी शक्ल के लोग। पता नहीं यार, काफ़ी टाइम से बड़े अजीब से लोग आ रहे हैं छपरी से, पता नहीं क्यों, बट ठीक है भाई, सबकी अपनी लाइफ है, मैं क्या ही जज करूँ किसी को। ब्लॉग छोटे आ रहे हैं आजकल, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है मेरे पे, है तो है, बस इसलिए मैं उठता कम हूँ ऑफिस में, फिर लगता है कि यार क्या ही वीडियो बनाऊँ, कुछ हो तो बनाने लायक। और व्यूज़ भी कितने ही आ रहे हैं आज वाली वीडियो पे, सबसे कम व्यूज़ आए मेरे अब तक के 30-35 व्यूज़ हैं, इतने कम नहीं आते मेरे कभी, बट ठीक है यार, करो जो करना है तुम्हें, इतना ही था आज के लिए।